तो जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो इंटरनेट पे जब आप आते हो ब्रेकअप से अपने एक्स को वापस पाने के लिए, जब आप सर्च करते हो तो सबसे ज्यादा जो दिखाया जाने वाला वीडियो होता है वो होता है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के लिए आपको हर जगह बोला जाता है। तो ऐसे केस में नो कॉन्टैक्ट रूल में बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है कि भाई नो कॉन्टैक्ट रूल काम भी करता है कि नहीं काम करता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल में हमें कहा जाता है, जैसे कि नाम है इसका कि नो कॉन्टैक्ट, कि भैया उसमें कॉन्टैक्ट ही खत्म करना है। यहाँ पे आपको तलब लगी रहती है भयानक वाली कि आप 10 मिनट में अपना रेजोल्यूशन चाहते हो, 10 मिनट में अपना सॉल्यूशन चाहते हो, और वहाँ पे क्या है नो कॉन्टैक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में आपके अंदर एक डर भी आता है कि भाई हम यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट करते रह गए और उधर वो इंसान किसी थर्ड पर्सन से जाके इन्वॉल्व हो गया तो फिर क्या होगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भैया वो इंसान क्या है अभी वैसे भी हमको वो छोड़ के बैठा है, और अगर हमने नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया तो कहीं वो हमको छोड़ के ना चला जाए। तो इन्हीं सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल कब तक फॉलो करते हैं, किसके ऊपर फॉलो करते हैं और कहाँ नहीं फॉलो करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया जाता है। देखिए, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो इसलिए करने के लिए कहा जाता है ताकि आपकी आदतें ब्रेक हो पाएं, आदतें टूट जाएं। देखिए क्या है ना कि आप अपने एक्स पार्टनर के पीछे लगातार पड़े रहते हो, तो समस्या तो मेरे दोस्त यहीं पर है, समस्या यहीं पर क्रिएट होती है कि आप लगातार उस इंसान के पीछे पड़े रहते हो, तो यहीं से ब्रेकअप का जो है सिनेरियो बनता है, यहीं से ब्रेकअप की स्थिति बन जाती है। अब क्या है, नो कॉन्टैक्ट रूल में थोड़ा सा आप इस चीज़ को गैप दोगे तो उसको थोड़ा सा सोचने का मौका मिलेगा, थोड़ी सी आपकी कमी महसूस होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे सर हमने गैप देके देखा है कुछ हुआ नहीं है, तो मेरे दोस्त गैप देके सिर्फ बैठना नहीं है। मान लीजिए आपने गैप दिया हुआ है और आप अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हो, मान लीजिए आपने 30 दिन गैप दे दिया, और गैप एक दिन देना ही पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे केसेस में यही होता है कि बहुत ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो वो इंसान आपको हर जगह से ब्लॉक कर देगा, क्योंकि एक समय पर बात करने का आपके पास कॉन्टेंट ही नहीं बचेगा, कि वो इंसान आपकी बात ही नहीं सुनना चाहेगा, आपका फ़ोन देखते ही इंसान काट देगा और देखते ही इंसान ब्लॉक कर देगा, आप किसी और के फोन करोगे जहां आपकी बात सुनेगा ब्लॉक कर देगा। तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जहां पे हर जगह से ब्लॉक कर देगा। ऐसे केस में बहुत लोग कहेंगे भैया हमारा तो 3 महीने से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है पर उसे तो कोई फर्क ना पड़ता। देखो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल जो किया जाता है अपने आप को सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि उन 30 दिन जो 30 दिन 45 दिन 60 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल दिया जाता है, उसमें सिर्फ अपना काम करना होता है, अपना काम करके अपने आप को थोड़ा सा बेटर बनाना होता है, ताकि जो है हमें जो लगातार आदत होती है उस एक्स पार्टनर की, वो एक्स पार्टनर की आदत टूट जाए, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा मन करता है कॉल करने का। क्योंकि भाई आप मान लीजिए आपका रिलेशनशिप 3 साल का है तो आपकी बहुत प्रबल इच्छा होती होगी कॉल करने के लिए, क्योंकि आप हर समय उस इंसान को कॉल करते थे, भाई रात को, दोपहर को, शाम को, आप अपनी दिनचर्या को बताते थे कि भाई हमारे साथ आज पूरे दिन में क्या हुआ, कैसा दिन गया, सारी चीज़ आपको शेयर करने की आदत है। लेकिन अब क्या है, एकाएक ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई वो चीज़ आपको कमी बहुत भयंकर तरीके से महसूस हो रही है, प्लस वो इंसान जब आपका रिलेशनशिप में था तो आप थोड़े ठंडे थे, अब क्या है रिलेशनशिप से बाहर जा चुका है तो बहुत ज़्यादा आपको उस इंसान की तलब लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा आपको अपनी दिल की बातें उस इंसान को बतानी है, और अब और भी बहुत ज़्यादा प्यार उस इंसान के ऊपर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, वो भी चीज़ आपको कहनी है, तो अब लेकिन अब उस चीज़ का वक्त नहीं बचा क्योंकि वो इंसान ब्रेकअप करके चला गया है। साथ में एक चीज़ और आप देखने को पाते हो कि भैया वो इंसान जो है उसको कुछ याद ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि उसको कुछ याद नहीं, क्योंकि आप उसको अपनी पुरानी फोटो भेजते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उस इंसान से आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हो उसको सुनना ही नहीं होता, उस इंसान को आप जगहों की याद दिलाते हो तो उस इंसान को सुनना नहीं होता है, तो इस चीज़ से लगता है भैया उसको याद दिए सिर्फ ब्रेकअप हमारा ही हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसको सब याद है, उसको सब पता है, बस वही कि उस इंसान ने आपको हल्के में ले रखा है, जैसा कि मैं बाकी वीडियो में बताता हूँ। अब आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल पर, तो नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त 30 से 45 से 60 दिन ही फॉलो करना होता है, और उसमें सिर्फ 1 by 1 अपना काम करना होता है। अपना काम करने का मतलब होता है वो सारे काम करने होते हैं जिसमें प्यार मोहब्बत इन्वॉल्व ना हो, मतलब अपने एक से सारे कॉन्टैक्ट काटने होते हैं, सोशल मीडिया पे भी काटने होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह से उस इंसान को हटा देना होता है। रीज़न क्या होता है इन जगहों से हटाना, क्योंकि आप मान लीजिए अपना नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो और बीच में उस इंसान का पोस्ट आ जाता है, फोटो आ जाती है, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। भाई अच्छा खासा आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, आपने अपना व्हाट्सएप खोला, उसका कोई स्टेटस पड़ा हुआ है, हंसता हुआ स्टेटस पड़ा हुआ है, तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। मान लीजिए उसने कोई लॉयल्टी पर ज्ञान दे रखा हो तो आप एकदम गुस्सा ही जाओगे, आपको लगेगा ही, आपका मूड ही खराब हो जाएगा, तो आपको लगेगा ये देखो भैया खुद ब्रेकअप करने के बाद ये इंसान लॉयल्टी के पोस्ट डाल रहा है। तो इस वजह से भैया नो कॉन्टैक्ट में हम अपने एक्स पार्टनर को हटा देते हैं सामने से। अच्छा, आपके फ़ोन की गैलरीज में जो फोटोज रहती उनको भी नो कॉन्टैक्ट रूल में कहा जाता है कि भैया उनको भी एक जगह साइड सेफ जगह रख दो, ताकि वो चीज़ बार बार सामने ना पड़े, वरना आप फोन की गैलरी खोलोगे तो आपको अपनी कपल वाली फोटो दिखेगी, तो आपको लगेगा भाई कितना सही वक्त था, कितना बढ़िया ज़माना था, हम लोग का रिलेशनशिप इतना बढ़िया चल रहा था, आखिर अब क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके
ना आए इस वजह से भैया नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करवाया जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कराने का मतलब है कि चोट को सही करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चोट पे कुरेदने का काम करती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, कि आप अगर अपने एक्स को स्टॉक कर रहे हो या फिर एक्स की फोटो देख रहे हो, एक्स के पोस्ट देख रहे हो, ये सब चोट कभी सही नहीं होने देंगे, ये चोट को कुरेदने का काम करती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आप गैप देंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई एक्स इतना भी ज़रूरी नहीं है, जो अभी आपको लग रहा है कि हाँ कि एक्स ही सब कुछ है, क्योंकि आप अभी ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि भैया अब एक्स के बिना कोई लाइफ नहीं, भाई एक्स के बिना आप जीना भी क्या जीन, तो एक्स के बिना आपको लग रहा होगा एक्स के बिना आप कुछ नहीं किया जा सकता, एक्स के बिना आप अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ सकते। मान लीजिए अगर आप सक्सेस भी हो जाते हैं तो भैया किस लिए सक्सेस होंगे, आखिर क्यों सक्सेस होंगे, जब आपका भैया प्यार करने वाला जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते थे वो इंसान ही आपके भैया पक्ष में नहीं खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में बेसिकली इन सब चीज़ों से निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इन सब चीज़ों से आप निकलें और आपको थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी है। देखिए वो जो एक्स पार्टनर है ना मेरे दोस्त, वो कल भी आपके कंट्रोल में था, वो आज भी आपके कंट्रोल में है, बस ये चीज़ आपको अपनी पावर पता नहीं, क्योंकि आप इतना बहुत ज़्यादा पजेसिव हो चुके हैं, इतना ज़्यादा घबरा चुके हैं, आपको लग रहा है कि भैया एक्स पार्टनर छोड़ के चला गया, कहीं और दूर ना चले जाए। भैया उसके बस की बात नहीं है आपको छोड़ के जाना। जी हाँ सही सुन रहे हैं, उसके बस की बात नहीं है आपको दूर छोड़ के जाना। वो तभी तक वो मजे में, तभी तक वो चिल है जब तक उसको लगता है कि आप उसकी पहुँच के अंदर हो। जिस दिन आप उसकी पहुँच के बाहर हो जाओगे भैया, उस दिन उस इंसान को फील हो जाएगा, ठीक है, उस इंसान को सारे मर्म याद आ जाएंगे, सब कुछ ए टू जेड, जो जो चीज़ आपको याद नहीं होगी रिलेशनशिप में वो चीज़ याद आ जाएगी। और उसी चीज़ की ट्रेनिंग हम भैया अपने नो कॉन्टैक्ट रूल में देते हैं। तो भैया नो कॉन्टैक्ट रूल से डरे नहीं, बेझिझक इसको फॉलो करें। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से आपका कोई भी एक्स पार्टनर आपसे दूर नहीं जाएगा, ठीक है, ना आपको भूलेगा, कोई किसी को नहीं बोल सकता। भैया सिर्फ बात होती है हल्के में लेने की, क्योंकि आप उसको अवेलेबल हो, आप उसको हासिल हो, तो वो इंसान हल्के में ले रहा है। तो भैया अगर उस इंसान को वापस रीअट्रैक्ट करना, वापस पाना है, तो भाई अपने आप को नॉर्मल आपको करना पड़ेगा। नॉर्मल बिना नो कॉन्टैक्ट रूल के आप नहीं हो सकते हो, कि नो कॉन्टैक्ट रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल करने में हेल्प करता है। भाई जब आप नॉर्मल रहोगे तभी तो उस इंसान को रीअट्रैक्ट कर पाओगे। अगर अभी ऐसे कंडीशन में आप जाओगे तो ऐसे में आप इमोशनल हो, ठीक है, आप उसके सामने बात भी नहीं कर पाओगे। मान लीजिए वो बहुत हंस के बात कर रहा है तो भी आपके दिल पे सीधा लगेगी, और आप उससे बात करने में इमोशनल हो जाओगे। जहाँ इमोशनल हो गए, नीडी आपने दिखा दिया अपने आपको, तो भैया वहीं पे खेल खत्म, वहीं पे वो इंसान आपसे भागने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त नहीं करनी है तुम्हें। यहाँ पे बात हो रही है एक्स बैक की, यहाँ पे बात हो रही है एक्स बैक से भी ज़्यादा अपने आप को ठीक करने की। तो यहाँ पे अपने आप को ठीक करना है, ठीक करने से मेरा क्या मतलब है कि भैया अपने आप की इमोशनल स्टेबिलिटी आपको बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और सबसे मेन बात है सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है। इसीलिए 30 से पहले से 60 दिन ही आपको फॉलो करना है। अगर आपने सही से फॉलो किया तो 60 दिन इनफ है, बट लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आपको ईमानदार होना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे दोस्त आपको जो है सोशल मीडिया पे हर जगह से उस इंसान को हटाना पड़ेगा, ठीक है, उसको कोई भी किसी भी तरीके से स्टॉक नहीं करना है। इतना समझ लीजिए नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर एक नियम बना लो मेरे दोस्त, की प्यार मोहब्बत की बातें करना एकदम बंद करना है आपको। नियम बना लो कि भैया प्यार मोहब्बत की बातें आपको करनी ही नहीं है, किसी दोस्त से डिस्कशन नहीं करना। कोई पूछता है भैया तुम्हारा रिलेशनशिप का क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया एंड ऑल, ये है वो है, तो आपको बोल देना भैया ब्रेकअप हो गया है, कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ, इट्स ओके, हो गया तो ठीक है, इट्स ओके, उसके बारे में बात ही मत कीजिए। जब आप उस चीज़ पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो लोग पूछना भी छोड़ देंगे दो चार दिन बाद। और ब्रेकअप के नाम पे आप अगर आप अपनी बातें बताना शुरू कर दोगे तो मेरे दोस्त वो डेली आपसे पूछेंगे, डेली आपको अपडेट देंगे, तुम्हारा एक्स यहाँ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, हालांकि एक्स कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन बिना मतलब की मिस इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगी, जिससे आपको ओवर थिंकिंग होगी। अभी आप ओवर थिंकिंग से ही परेशान हो, क्योंकि दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय एक्स आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आपके पास और भी कोई दूसरा काम है ही नहीं। जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के अपना काम करोगे ना मेरे दोस्त, तो ये एक्स की यादें आना बंद होगी। जब यादें आना बंद होगी तो आपका दिमाग जो चलेगा कैंची की तरह, तब आपको समझ में आएगा भैया इस इंसान को कैसे कंट्रोल करना है। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल आपको सिर्फ आपकी आदत तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो एक्स बैक के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, वो एक्स बैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्स बैक होगा सिर्फ अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाने से, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करने से, इमोशनली स्टेबल होने से, इन शॉर्ट कि जैसे आप रिलेशनशिप की शुरुआत में वैसे बनने पे, तभी एक्स बैक होगा। और पहले के जैसे आप कैसे बन पाएंगे, जब नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करेंगे। इसके बाद भी मेरे दोस्त आपको कोई नो कॉन्टैक्ट रूल से रिलेटेड अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो फिर से मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।